हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि CUET 2023 कब होगी, क्या डेट है, किस तरीके से होंगी, क्या सिलेबस है, कैसे कैसे आपको एग्जाम देनी है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको पता लग जाएगी। आपके पास कितना वक्त अभी है CUET के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, कहां से प्रिपरेशन करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको तुम्हारे अनटोल्ड मैक भैया चैनल पर पता लग जाएगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो एंड तक देखें। देखो, सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे अभी अपने क्लास 12th में हैं एंड CUET एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारे पास CUET के पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप किसी भी डोमेन के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, लैंग्वेजेस के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, कोई भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, DU, JNU, BHU या फिर जामिया या कोई भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जो CUET के अंदर आती हो, सबकी प्रिपरेशन हम कराते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ के CUET एग्जाम क्रैक करना है तो आपको स्क्रीन पे एक हमारी व्हाट्सएप नंबर दिख रही होगी, आपको बस उस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर हमें टेक्स्ट करना है हाय भैया, हेलो भैया, एंड बताना है कि आप किस कोर्स के लिए, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, CUET में कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने कोर्सेज की डिटेल आपको सेंड कर देंगे, अपनी डेमो लेक्चर्स भी भेज देंगे क्लासेस की। अगर आपको हमारी क्लासेस की डेमो लेक्चर्स पसंद आती है, अगर आपको अच्छा लगता है जहां पे आपको स्टडी मटेरियल्स, आपके मॉक टेस्ट वगैरह, आपके क्लासेस, स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन, ईच एंड एवरीथिंग कराई जाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़ के प्रॉपर CUET की A to Z तैयारी कर सकते हो। ओके, तो नंबर दे रखी है स्क्रीन पे, सेम नंबर डिस्क्रिप्शन में भी, आपको बस व्हाट्सएप करना है हमें, ठीक है। चलिए, अब भैया बात यहां पे आती है कि आपके पास कितना दिन है CUET एग्जाम का। देखो, CUET एग्जाम 2022 में जो हुई है, 2022 वाले सेशन के लिए, उस समय बहुत असमंजस में हुई है, बहुत मतलब हड़बड़ी रश में हुई है, लोगों को पता नहीं था CUET के बारे में कुछ भी, एंड ऐसे ही बच्चों के ऊपर थोप दिया गया। मतलब दिसंबर जनवरी तक पता भी नहीं था बच्चों को 2021 में कि CUET होगा भी, और 2022 में इंप्लीमेंट भी हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती कि हम 12th के मार्क्स में घंटा फर्क नहीं पड़ता है, CUET की एग्जाम दो, CUET की स्कोर लाओ एंड CUET के स्कोर पे तुम्हारी एडमिशन होगी, दैट्स इट। ये आपका पूरा फंडा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कह दिया। अब अगर मैं बात करूं आने वाले साल की, 2023 वाले सेशन की, 2023-24 जो आप लोग होंगे, आप लोगों की एग्जाम जो भी CUET की एग्जाम होगी वो आपके क्लास 12 बोर्ड्स के बाद ही होगी, ये निश्चित है। ओके, और अगर मैं क्लास 12 बोर्ड्स की बात करूं तो 15th February से आपकी बोर्ड्स की एग्जाम स्टार्ट हो रही है क्लास 12 वालों की, एंड मान के चलो आपकी मार्च तक पूरी चलेगी एग्जामिनेशन बोर्ड्स की। ओके, मार्च के बाद अप्रैल का आपको गैप मिलेगा एक महीना, एंड मई महीने में या फिर मई से जून के बीच में आपकी एग्जाम एनी हाउ कभी भी हो जाएगी CUET की। याद रखना, CUET की जो एग्जाम है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सारी एग्जाम हो गई। CUET की एग्जाम थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट इंग्लिश का है, अकाउंटेंसी का है, बिजनेस स्टडीज का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, कोई भी पेपर आप देने वाले हो, और आपका दोस्त का भी सेम पेपर है, तो हो सकता है कि आप दोनों का पेपर अलग अलग दिन में हो, अलग अलग टाइम पे हो, तो यहां पे हर एक बच्चे को अलग अलग डेट, अलग अलग क्वेश्चन अलॉट किए जाएंगे। आपके इंग्लिश का पेपर सेम नहीं होगा आपके दोस्त के पेपर के साथ, है ना। हो सकता है कि आपका जो एग्जाम हो वो मई के महीने में हो, आपका दोस्त का एग्जाम जून के महीने में हो, आप भी इंग्लिश दे रहे हो, वो भी इंग्लिश दे रहा हो, मगर आपके पेपर का लेवल अलग हो, आपका पेपर अलग हो, उसका पेपर अलग हो, तो ये CUET का जो एग्जाम होगा हर बच्चे को अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग डे में, अलग अलग क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, CUET की एग्जाम बहुत बड़ी है, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलॉट किए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एंड ऑल, तो आपको थोड़ा ध्यान पूर्वक चलना है, क्योंकि आज के टाइम पे एकमात्र आपके पास यही उपाय है कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। ओके, तो याद रखो, अभी के लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप आज से, आज मतलब अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, 2022 चल रहा है, अभी से आप मान के चलो 6-7 महीने आपके पास इजिली है। ओके, लेकिन अगर आप अभी से शुरू कर देते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आपको CUET में बढ़िया कॉलेज छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, लिटरली मेरी बात मानो। अगर आप अपने क्लास 12th में, और आपकी क्लास 12th वीक है, अगर आप क्लास 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप CUET में भैया अच्छा स्कोर करके भारत की टॉप कॉलेज उठा सकते हो, क्योंकि क्लास 12th की मार्क्स की वेटेज उतनी है ही नहीं CUET में, वो बस एक पासिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन के रह गया आज के टाइम पे। तो आपके पास अभी ऑप्टिमम समय है, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। कैसे करना है, आप इसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दोगे तो जितना आप जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। इसीलिए हमारे पास प्रिपरेशन की पूरी कोर्सेज अवेलेबल है, एंड बहुत सारे बच्चे अभी ऑलरेडी हमसे जुड़ना शुरू भी कर दिए हैं, जुड़ भी गए हैं, तो आप क्यों देरी करोगे। अगर आप जुड़ना चाहो, नंबर गिवन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर नहीं जुड़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है CUET 2023 करके मेरे इस चैनल पे, उस प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे मैं डिफरेंट स्ट्रेटजी, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, कैसे कहां से क्या चीजें, सब कुछ बहुत ईजी तरीके से समझा रखा है। तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो CUET 2023, एंड आने वाले टाइम पे स्पेशली कॉमर्स वालों बच्चों के लिए मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो कॉमर्स वालों बच्चों के लिए कुछ करूं CUET के लिए। ओके भैया, बस है इस बार का, मतलब जो आपके साथ मैं रहूंगा ना, एकदम एंड तक रहूंगा, इस बात की प्रॉमिस है। ओके, तो आप एक काम करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, प्रॉमिस। लव यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।